ग्वालियर की डबरा सीट बड़ी रोचक मानी जाती है, वहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। अगर मुकाबला कांटे का था तो उसमें कांग्रेस के सुरेश राजे उस मुकाबले को जीत गए हैं। इस जो रिजल्ट है, जनता का रिजल्ट, उसमें सुरेश राजे पास हो गए हैं और इमरती देवी एक बार फिर फेल हो गई हैं। इमरती देवी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी हैं और पिछला चुनाव भी वो हारी थी जब वो सिंधिया के साथ बीजेपी में आई थी। उसके बाद उपचुनाव में इमरती देवी सुरेश राजे से हारी थी। ये दूसरा मौका है जब इमरती देवी को सुरेश राजे के सामने हार का मुंह देखना पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी के बीच की तनातनी भी बड़ी चर्चा में थी और अंदर खाने खबर थी कि दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव हार गए हैं और इमरती देवी भी चुनाव हार गई हैं। इमरती देवी और सुरेश राजे ये दोनों भी आपस में रिश्तेदार हैं, उसके बावजूद इनकी नहीं पटती है और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखते हैं। पिछले दिनों सुरेश राजे का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस वीडियो को इमरती देवी के अपने वायरल किया है, लेकिन उसके बावजूद उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और सुरेश राजे में लोगों ने अपनी आस्था जताई, अपना विश्वास जताया है और उन्हें अपना मत देकर विजय बनाया है। अधिक कुछ कहना चाहेंगे? जी, इमरती देवी उपचुनाव में भी हारी, उसके बाद उनको जोर का झटका लगा था और उनको टिकट तो मिल गया इस चुनाव में, पर कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी तैयारियों में कमी रह गई। और जैसा आपने बताया कि सुरेश राजे का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में इमरती देवी का भी कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसने की सियासत में हलचल ला दिया था। खैर, इमरती देवी एक बार फिर से चुनाव हार गई है और ये मुझे लगता है कि उनकी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत गहरा दाग है। यकीनन बड़ा दाग है। भोपाल के 74 बंगले में बड़ा बंगला लेके इमरती देवी इसलिए रह रही थी कि उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव जीतेंगी और चुनाव जीतने के बाद विधायक बनेंगी और मध्य प्रदेश में मंत्री बनके वो काम करना चाहती थी, काम करने की उनकी इच्छा थी। लेकिन कहते हैं कि सबके सपने सच पूरे नहीं होते और राजनीति तो कभी भी आपको जो है अर्श से फर्श पे ले आती है और कभी फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। तो ऐसे कुछ उतार चढ़ाव का दौर इमरती देवी के साथ है और सिंधिया के प्रचार करने के बाद, सिंधिया की करीबी होने के बाद इमरती देवी का हारना सिंधिया के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। राजनीति के ऐसे झटकों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।